सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है क्लियर? आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ रही आ रही है। ओके ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं, है ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम कल्पम प्रदाम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। वंदे तद्गुण लब्धे। आप लोग अपने अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज, अपना अपना म्यूट कर दीजिए। मैंने सबको म्यूट किया लेकिन आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना, डबल आवाज आती है फिर। ये कल के जो श्लोक सूत्र थे वो रह गए थे, उनको रिवीजन आज देख लीजिए, कल आवाज की प्रॉब्लम थी इसलिए। कालश्च 39, आचार्य जी इसमें काल द्रव्य के बारे में बताना चाह रहे हैं कि काल भी एक द्रव्य है। अभी तक हमने पांच द्रव्यों की चर्चा की थी ना, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और आकाश द्रव तक के पांच की चर्चा की थी, तो काल का रह गया था। तो उन्होंने बताया काल भी एक द्रव्य है, च मीन्स द्रव्य है, तो काल भी द्रव्य है। अब वो कैसा है? सोनंत सम्यह। सोनंत सम्यह मीन्स वह अनंत समय वाला है, मतलब काल द्रव्य अनंत समय वाला है। उसमें हजारों साल बीत जाए, पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाती है। हम जैसे कहते हैं ना, आचार्य जी ने 2000 साल पहले ये लिखा है, तो कई सालों की हिस्ट्री है, कई हुंडा औसर्पणी काल, कितने सारे काल निकल गए हैं आज तक के अनादि काल से। तो यह अनंत समय वाला काल द्रव्य है, काल भी द्रव्य है। इसीलिए ये जैसे पांच द्रव्य के बारे में हमने आगे पढ़ा, वैसे ही ठीक ये भी सच स्वरूप है। सच स्वरूप है यानी अस्थि काय है, इसका भी सॉरी अस्थि काय यानी अस्थि है लेकिन काय नहीं है। अस्थि मीन एग्जिस्टेंस तो है, काल द्रव्य का एग्जिस्टेंस है लेकिन काय रूपी नहीं है। काय मीन्स बहुप्रदेशी, बाकी के जो पांच द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी हैं लेकिन काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, वो एक प्रदेशी है, इसलिए इसको काय में नहीं लेते, इसलिए अस्थि काय में इसकी गिनती नहीं आती है। पहले के पांच द्रव्य अस्थि काय है लेकिन काल द्रव्य अस्थि काय में नहीं आता, केवल सत्य है। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, और इसलिए इसमें उत्पाद व द्रव्य भी है। जैसे बाकी के पांच द्रव्यों में हमने पढ़ा था, उत्पाद मतलब नए पर्याय की उत्पत्ति, पुराने की व्यय मतलब नाश, और द्रव्य यानी पहले भी था वो समय और आज भी है वो समय। तो इसीलिए इसमें भी उत्पाद व द्रव्य होते रहता है काल द्रव्य में भी, और ये भी गुण पर्याय वाला है। जैसे बाकी के द्रव्यों में गुण और पर्याय है, वैसे काल द्रव्य में भी गुण और पर्याय है, यानी उसकी वर्तना लक्षण वाला है। वर्तना मीन्स निश्चय काल से, और पर्याय मतलब घड़ी, घंटा, सावली, समय, एक घंटा, पांच घंटे, एक दिन, 15 दिन, पक्ष, महीने, साल, ये सारे पर्याय हैं समय के, ठीक है। फिर यह काल द्रव्य अचेतन भी है, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, इसमें सिर्फ जीव द्रव्य एक है छह द्रव्यों में से जिसमें चेतना पाई जाती है, बाकी के सारे द्रव्य अचेतन है। नित्य है, ये हमेशा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होएगा, अनादिकाल से काल द्रव्य है और आगे भी रहेगा, नष्ट नहीं होने वाला है। अवस्थित है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अमूर्तिक है, किसी को दिखाई नहीं देता है। निष्क्रिय है, यहाँ से वहां इसमें कोई हलन चलन नहीं है, जीव और पुद्गल को छोड़कर बाकी सारे द्रव्य निष्क्रिय है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश, ये चारों द्रव्य निष्क्रिय है। और एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी मैंने आपको बताया था, जैसे मोतियों का ढेर लग जाता है, रत्नों का ढेर लगा दो, एक 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 रहते ना, तो आत्मा ये पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य फैला हुआ है, एक एक प्रदेश ही है, वो पूरा एक नहीं है। जैसे आकाश द्रव्य कैसा पूरा एक सा समेटा हुआ, पूरा हमें एक है, पूरे लोकाकाश में फैला हुआ एक आकाश द्रव्य है, और एक ही धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ, एक ही अधर्म द्रव्य है पूरे लोकाकाश में फैला हुआ, लेकिन ये एक प्रदेश ही है, लेकिन एक एक नहीं है, एक एक मतलब ढेर लगे हुए हैं इसके, अलग अलग रत्नों के मोती के जैसे ढेर। और इसमें भी मुख्य और गौणों दोनों प्रकार से इसकी भी चर्चा होती है, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना अर्पिता नर्पित सिद्धे, तो द्रव्य की हम चर्चा जब करते हैं तो एक को मुख्य लेके दूसरे को गौण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसके लिए भी आपको समझना चाहिए। जब हम निश्चय काल की चर्चा करेंगे तो व्यवहार काल गौण हो जाएगा, जब व्यवहार की चर्चा करेंगे तो निश्चय गौण हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही सब है जैसे हमने आगे के पांचों द्रव्यों में पढ़ा। अब काल, निश्चय काल और व्यवहार काल, दो मैंने अभी आपको बताया थे, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो निश्चय काल से द्रव्य है और निश्चय काल द्रव्य की पर्याय है, व्यवहार काल में क्या है द्रव्य की पर्याय, निश्चय काल क्या है कालाणु, एक प्रदेश वाला जो कालाणु, जो आकाश के एक प्रदेश पे एक कालाणु है उसे कालाणु कहते हैं, वो निश्चय काल है।
जैसे पुद्गल का एक अणु होता है, छोटा सा अणु या परमाणु आप कह लें, तो वो ऐसे ही इसका भी एक सबसे छोटा वाला जो है जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता उसे कालाणु कहते हैं। और व्यवहार काल में समय, घंटा, दिन, वर्ष आदि, ये व्यवहार काल। आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? हेलो, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, उनके इसमें नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, जैसे ही कोई बोलता है ना आवाज नहीं आ रही तो मुझे भी डर लग जाता है, मैं तो पता नहीं, मैं तो अच्छे से बोल ओके। हाँ आप बता दिया करो, अगर किसी की आ रही है तो दूसरे लोग बोल दिया करो कि भाई आ रही है कि नहीं आ रही आवाज, ठीक है ना। फिर लोक प्रमाण असंख्यात, ये निश्चय काल जो है वो लोक प्रमाण असंख्यात है। कालाणु, एक एक कालाणु होता है वो, ये लोक प्रमाण मतलब एक एक, मैंने बताया आपको जितने भी आकाश के प्रदेश है, एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु विराजमान है, ये निश्चय काल। और व्यवहार काल, कालाणु मैम, कालाणु किसको बोलते हैं? कालाणु, कालाणु यानी कालाणु काल का एक एक जो अंतिम भाग, जैसे आपने पुद्गल का एक अंतिम भाग होता है ना जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता उसको अणु कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से काल का जो निश्चय काल का एक भेद होता है, एक पार्ट होता है जो जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता। समय का मतलब अनंतवा भाग जिसको कहते हैं, जैसे पुद्गल का अनंतवा भाग जिसका कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता उसे अणु कहते हैं, ऐसे काल का जो एक लास्ट प्रदेश होता है जो एक प्रदेश के ऊपर विराजमान होता है, आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु विराजमान होता है, That is called कालाणु, ठीक है, उसे कालाणु कहते हैं। हाँ तो वो लोक प्रमाण असंख्यात है, तो लोक प्रमाण असंख्यात है मतलब जितना बड़ा लोक है, लोकाकाश है, उसके एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु विराजमान है ना, वो कालाणु मतलब सबसे छोटा पार्ट काल द्रव्य का। और अनंत पर्याय है उसके, भूत, भविष्य, वर्तमान मिलाकर अनंत पर्याय है काल द्रव्य की, असंख्यात सालों से, अनादिकाल से हम लोग देख रहे हैं, हुंडा और सर्पणी काल से कई सारी निकल गए हैं समय, कई काल कितने हजारों वर्ष निकल गए, लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए हैं, तो ये काल द्रव्य का है। उसके बाद 41 नंबर का सूत्र जो कल रह गए थे, दो सूत्र वो वाले भी आप रिवीजन कर लीजिए, द्रव्याशय निर्गुणा गुणाः, अर्थात जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं, अन्य गुण रहित है वे गुण है, द्रव्याशय निर्गुणा गुणा, अर्थात द्रव्य के आश्रित रहते हैं, जो द्रव्य के आश्रित मतलब जो द्रव्य के, जैसे सोना है, सोने के आश्रित में उसका गुण क्या है, पीलापन, उसमें लस्टर है, उसमें चमक है, वो उसका गुण है, तो वो द्रव्य के आश्रित है ना, द्रव्य सोना है, सोने के अंदर उसका गुण है, जैसे हमारी आत्मा है, जीव आत्मा है, हमारी जीव का ज्ञान दर्शन गुण है, तो वो उसका गुण है जो द्रव्य के, हम जीव द्रव्य के आश्रित में ज्ञान दर्शन है, तो इसीलिए कहा गया इस सूत्र में द्रव्याशय निर्गुणा गुणा, तो जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं और अन्य गुण रहित है, दूसरे गुण में वो नहीं है, वे गुण कहलाते हैं, ठीक है। गुण का लक्षण है सदा द्रव्य के आश्रय से रहे, अन्य गुणों से रहित हो, जैसे ज्ञान दर्शन केवल जीव द्रव्य में पाया जाएगा, दूसरे छह द्रव्यों में ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। काल द्रव्य में वर्तना काल लक्षण है उसका, दूसरे द्रव्यों में ये नहीं है। फिर जैसे धर्म द्रव्य का है स्थिति गमन कराने का, तो दूसरे द्रव्य में वो विशेषता नहीं है, सिर्फ धर्म द्रव्य में है। अधर्म द्रव्य में जैसे विशेषता है कि वो स्थिति रुकाएगा लोगों को, पुद्गल और जीव को ठहरने में सहायक है, तो वो विशेष गुण दूसरों में नहीं है। मैंने कल आपको बताया थे कि विशेष गुण भी है और साधारण गुण भी है। विशेष गुण उसे कहते हैं जो दूसरे द्रव्यों में नहीं पाए जाते, उसे विशेष गुण कहते हैं, और जो साधारण गुण है वो दूसरे द्रव्यों में भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, तो सभी द्रव्यों का एग्जिस्टेंस है, सभी द्रव्य पाए जाते हैं, सभी द्रव्य अस्तित्व है, सबका अस्तित्व है, वस्तुत्व तो सबका अपना अपना वस्तु धर्म है, सबका प्रमेयत्व तो गुण है, ये जो कॉमन गुण है वो सब में पाए जाते हैं, उसे साधारण गुण कहते हैं, और जो विशेष गुण है जो दूसरों द्रव्य में नहीं पाए जाते वो विशेष गुण है जो दूसरों में नहीं पाए जाते, ये गुण का लक्षण। तो द्रव्य के आश्रय से गुण पाए जाते हैं, बिना द्रव्य के गुण नहीं पाए जाएंगे। ज्ञान दर्शन आपको ऐसे अलग से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जीव द्रव्य होगा उसी में ज्ञान दर्शन होगा, चाहे वो एक इंद्रिय से लेके संगी असंगी पंचेंद्रिय जो भी है सब में ज्ञान दर्शन है, भले ही उनके पास में मन नहीं है तो वो प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके अंदर में ज्ञान दर्शन सभी जीवों में है, चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, सब जीवों में सत्ता रूप ज्ञान दर्शन रहता है। तद्भाव परिणाम, उसका होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना परिणाम है, किसका, काल द्रव्य का, पूरे समय हर समय वो बदलते रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं तद्भाव परिणाम।
परिणाम मतलब भाव, हमारे भाव भी बदलते रहते हैं जैसे जैसे काल द्रव चेंज, थोड़े समय पहले हमें गुस्सा आ जाता है, थोड़े समय बाद हमें खुश हो जाते हैं, तो हमारे भी परिणाम भाव बदलते रहते हैं। आपने परिणाम की चर्चा भी पढ़ी थी, हमने भाव के 53 भाव पढ़े थे, औपशमिक भाव, औदयिक भाव, चायिक भाव, चायोपशमिक भाव। तो ये जीव द्रव्य में होते हैं भाव, बाकी दूसरे में उसमें नहीं होंगे। दूसरे धर्म आदि द्रव्य में दोनों में परिणाम आगम से जाने जाते हैं, ये हमारे जानने का विषय नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य में क्या हो रहा है पूरा आकाश इसमें फैला हुआ है, ये आगम में जो लिखा है हम केवल वही बता सकते हैं। बाकी तो हम लोग के पास में केवल जीव और पुद्गल का जो है वो परिणाम कथनचित हम प्रत्यक्ष गम्य है, जो हम देख सकते हैं, ये दोनों परिणाम हमें पता पड़ सकते हैं जीव में और पुद्गल का, हमारे साथ में जो कॉन्टेक्ट होता है उसका। अब हम चलेंगे छठे अध्याय की तरफ। तो आपका पांचवा अध्याय का क्लियर हो गया सबका, छह द्रव्य की चर्चा थी, द्रव्य छह हमने पढ़े, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इन छह द्रव्यों के बारे में हमने पांचवे अध्याय में पढ़ा। अब आप लोग छठे अध्याय के लिए तैयार हैं, पांचवा अध्याय छोड़े, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है पांचवे अध्याय के लिए, मैं आगे बढ़ू छठे अध्याय में? हाँ ठीक है। अब छठवां अध्याय जो अभी तक के हमने जीव द्रव्य की चर्चा सुनी थी, अजीव द्रव्य में हमने, हेलो माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, किसका माइक ऑन है? हाँ, जीव द्रव्य के हमने बारे में पढ़ लिया था पहले, दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में। पांचवे में हमने अजीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, उसमें धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव्य। अब हम इसमें सात तत्व की चर्चा भी हम कर रहे हैं, तो सात तत्व में अब आएगी चर्चा आश्रय के बारे में। जीव, जीव तत्व का हमने पढ़ लिया, अजीव तत्व का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आश्रय तत्व के बारे में, है ना। द्रव्य की चर्चा हम कर चुके, अब तत्व के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो तत्व क्या है, सात तत्व आप सबको मालूम है, तत्व कौन से होते हैं? अभी हमने छह द्रव्य पढ़े थे ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, अब सात तत्व बताएं, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा और मोक्ष, ठीक है। जीव अजीव आश्रय आश्रय बंध संवर और मोक्ष, निजरा मोक्ष, मोक्ष, ठीक है। हाँ माइक ऑफ कर दीजिए अभी। तो ये सात तत्व है, तो सात तत्व में भी हमने जीव का पहले पढ़ लिया एक से लेके चार अध्याय तक के, पांचवे में हमने अजीव अजीव तत्व के बारे में भी जान लिया। अब तीसरा तत्व जो आता है वो है आश्रय, तीसरा तत्व क्या है? आश्रय। तो अब जो छठवां अध्याय चालू होगा उसमें आश्रय तत्व की चर्चा है, अभी द्रव्य की चर्चा खत्म हो गई, अभी आश्रय की चर्चा चलने वाली है, ये वाले छठे अध्याय में आश्रय के बारे में है। आश्रय मीन्स व्हाट? कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं, कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं, आश्रय मीन्स कर्मों के आने को। जैसे हम, अब मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि हम कर्म कैसे आएंगे, हम बुलाते हैं अपने आप से नहीं आते, ये विश्व सोचे जो है ना, कर्म वारगणाएं पूरे ऑल ओवर सराउंडिंग में फैले हुए होते हैं। हम जैसे भी परिणाम करते हैं, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, जो भी हमने परिणाम करा, हमने लड़ाई झगड़े, हमारे जैसे परिणाम रहेंगे और हमारे अंदर कषाय रूपी चिकनाई आएगी और वो कर्म वारगणाएं आकर हमारी आत्मा में चिपक जाएंगे। तो ये जो कर्मों को हम बुलाते हैं या वो आते हैं जिस निमित्त से, उसे कहते हैं आश्रय, कर्मों के आने को कहते हैं आश्रय। तो भाव आश्रय क्या होता है? हम जो भाव करते हैं, राग द्वेष वगैरह हम जो भाव करते हैं उसे भाव आश्रय कहते हैं, और ये भाव आश्रय के निमित्त से द्रव्य कर्म आते हैं। ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्म होते हैं ना, ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, वेदनी, आयु, मोहिनी, नाम, गोत्र और अंतराय, तो ये आठ कर्म हमारे निमित्त से ही आते हैं। चारों तरफ इनके कारमाण पुद्गल वर्गणाएं रहती हैं और हम जैसे भाव करते हैं, अगर हमने किसी के ज्ञान गुण में बाधा डाली तो ज्ञान वर्ण कर्म आके हमारी आत्मा में चिपक जाएगा। कोई दर्शन करने जा रहा है, हमने दर्शन में बाधा डाल दी तो दर्शन वर्ण कर्म हमारी आत्मा में आके चिपक जाएगा। हमने कोई दान दे रहा है, उसमें दान देने में अंतराय डाल दिया तो दान अंतराय कर्म की वर्गणा आके हमारी आत्मा में लग जाएंगे। तो हम जो काम करते हैं वो आश्रय हमारे द्वारा हो जाता है। अब हम इसके बारे में इसमें पूरा जानेंगे, पूरा आश्रय के बारे में इसमें चर्चा है। आश्रव, द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय, मैंने अभी आपको बताया द्रव्य आश्रय किसे कहते हैं? पौद्गलिक कर्मों का आना, पौद्गलिक कर्म मतलब ज्ञान वर्णी, दर्शना वर्णी, आयु, वेदनी, मोहन, अंतराय, गोत्र, है ना, ये सारे हैं द्रव्य कर्म। ज्ञान वर्ण, दर्शना वर्ण, मोहिनी, वेदनी, अंतराय, नाम, गोत्र और आयु, ये आठ कर्म है, इन्हें कहते हैं पौद्गलिक कर्मों का आना, जो आते हैं। और भाव आश्रय क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष विकारी भाव,
जैसे ही हमने विकारी भाव किए और हमने कर्मों को अट्रैक्ट करा, जैसे कहते हैं ना मैग्नेट को आप लगाओगे तो लोहे के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आत्मा में हम कषाय रूपी मैग्नेट अगर हम करेंगे तो बाहर जितने भी बाहर कारमान वर्गणाए पुद्गल वर्गणाए कर्मों की वो हमारे अंदर आत्मा में प्रवेश कर जाएंगी और आत्मा में चिपक जाएंगी, दूध पानी के समय एक जैसे हो जाएंगे। अब नंबर पहला सूत्र इसका है काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः। पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः, काय वचन और मन की क्रिया योग है, इसे कहते हैं योग। मैंने जब योग का स्टार्ट करी थी पहले दिन ही क्लास स्टार्ट किया था तब आप लोग को बताया था कि योग किसे कहते हैं, मैंने बताया था आपको मन वचन काय की जो परिस्पंदन होता है हमारी आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, मन से हम कुछ सोचते हैं वचन से हम कुछ सोचते हैं काय से हम कुछ करते हैं तो हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है और उससे योग उसे कहते हैं योग। तो इसमें भी भाव योग और द्रव्य योग, भाव योग मतलब नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, उस विशेष शक्ति को कहते हैं भाव योग। जो हम विशेष अगर हम भाव ही नहीं करेंगे तो वर्गणा आएगी नहीं, अट्रैक्ट करते हम है ना, हम भाव करते हैं इससे तो वर्गणा आके अट्रैक्ट होती है। और द्रव्य योग आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना, हम जैसे भाव करेंगे आत्म प्रदेशों में वैसा परिस्पंदन होगा, जैसे मैं हाथ ऐसे हिला रही हूँ ऊपर कर रही हूँ नीचे कर रही हूँ तो ये काय योग है, काय मैं हिला रही हूँ इसके हिसाब से भी हमारे आत्मा में आश्रय होता है काम, क्योंकि परिस्पंदन हो रहा है ना आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, परिस्पंदन यानी हलन चलन। तो आत्म प्रदेशों में जैसे ही कंपन होगा जैसे ही परिस्पंदन होगा वैसे वैसे कारमान वर्गणाए मंदर आत्मा में आके एक साथ चिपक जाएंगी और बंद हो जाएगा। तो मन वचन काय की क्रिया यानी चेष्टा, जो भी हम क्रिया करेंगे उससे द्रव्य योग होगा तो काय उससे कर्म आके हमारी आत्मा में लगेंगे। निमित्त अपेक्षा योग के भेद, अब निमित्त के अपेक्षा योग के भेद कितने हैं, चार मनोयोग चार वचन योग और सात काय योग, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था आप लोग को शायद याद होगा या नहीं होगा। चार मन योग, मन योग मैंने आपको बताए थे सत्य मन योग असत्य मन योग उभय मन योग अनुभय मन योग, फिर से सुन लीजिए, सत्य मनोयोग मतलब सत्य सोचना, मनोयोग यानी मन में सोचना, हम मन में पूरे दिन थॉट्स करते रहते हैं ना तो हमारे मन में जो थॉट्स आते रहते हैं उसे कहते हैं मनोयोग, मन में हमारे विचार चलते रहना 24 घंटे उसे कहते हैं मनोयोग। तो सत्य मनोयोग मतलब सही सही चीज के बारे में अगर हम चिंतन करते रहते हैं तो उसे कहते हैं सत्य मनोयोग, और असत्य का चिंतन करते हैं 24 घंटे हम असत्य सोचते रहते हैं ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से मेरा हर चीज में हम अपने हिसाब दूसरे का सही हम सोचते ही नहीं है तो वो असत्य मनोयोग हो जाता, हो सकता है वो उसके हिसाब से सही हो हमारे हिसाब से गलत हो तो वो असत्य मनोयोग। और उभय मतलब सत्य असत्य दोनों, उभय मतलब सत्य असत्य दोनों, दोनों का चिंतन करना, और अनुभय यानी ना सत्य है ना असत्य है उसे कहते हैं अनुभय। तो ये चार प्रकार के मनोयोग होते हैं, सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। अब वचन योग के भी ऐसे चार भेद हैं, सत्य वचन योग असत्य वचन योग उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, यानी सत्य बोलना सत्य वचन योग असत्य बोलना असत्य वचन योग, और अनुभय यानी सत्य भी ना हो और असत्य भी ना बोलो तो वो अनुभय वचन योग। अब सात काय योग किसे कहते हैं, काय मीन्स आपको मालूम है शरीर, हमने पढ़ा था पांच प्रकार के शरीर होते हैं ना, कौन से पांच प्रकार के शरीर पढ़े थे दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, आहारक शरीर पैक्रियक शरीर औदारिक शरीर कारमान शरीर और तेजस शरीर है ना, ये हमने पांच प्रकार के शरीर पढ़े थे ना, हमारा कौन सा शरीर है औदारिक शरीर, हमारा कौन सा शरीर है औदारिक, और देव और नारकियों का कौन सा होता है वैक्रियक, और छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के छठ जो सिर से पुतला निकलता ना एक हाथ का उसे कहते हैं आहारक शरीर, बताया था मैंने आप लोगों को है ना, और जो कारमान वर्गणाएं हमारी आत्मा में आके चिपक जाती हैं उसे कहते हैं कारमान शरीर, जो कारमान शरीर है ना जो शरीर से हम मर भी जाते हैं तो विग्रह गति में हमारी आत्मा को एक गति से दूसरी गति में जो साथ में जाता है वो कारमान वर्गणाएं बस वही कारमान शरीर जाता है। और तेजस, तेजस यानी जो हमारा तेज होता है हमारे आभा मंडल हरेक के पास होता है ना कांति शरीर की, तो वो कांति को कहते हैं आभा मंडल जो होता है वो होता है तेजस शरीर। तो ये सात प्रकार पांच प्रकार के शरीर होते हैं और इसमें मिश्र भी है, मैंने आपको बताया था कि औदारिक औदारिक मिश्र आहारक आहारक मिश्र और वैक्रियक वैक्रियक मिश्र और कारमान काय योग, तेजस का नहीं लिखा इसमें। तो ये सात प्रकार के शरीर होते हैं जो इसमें लिए गए हैं,
ठीक है, जिससे कायोग होता है, जिसका कायोग होता है, जिसमें हलन चलन होता है, ठीक है। आहारक कायोग कैसे, हम लोग हिला रहे अपने हाथ पैर को, ये आहारक कायोग, ए सौदारी औदारिक कायोग, औदारिक शरीर को हिलाना हलन चलन करना, ये औदारिक कायोग। औदारिक मिश्र यानी औदारिक शरीर बनने के पहले, पूर्व जो आके हमारे शरीर दूसरा धारण करते हैं, औदारिक शरीर बनने के पहले वाली स्थिति उसको बोलते हैं मिश्र। एक कार्बन का योग होता है और औदारिक शरीर धारण कर रहे हैं उसके पहले, दैट इज कॉल्ड मिश्र। और फिर वैक्रियक का योग, जो देव और नारकी अपना शरीर को हिलाते डुलाते हैं, उनका होता है वैक्रियक का योग। और वैक्रियक मिश्र होता है वैक्रियक शरीर होने के पहले वाला, जो कार्बन का योग और वैक्रियक वाला मिश्र होता है उसे कहते हैं वैक्रियक मिश्र। एक गति से जाता दूसरी गति में, उसे वैक्रियक मिश्र। आहारक का योग भी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के पुतला निकलने के पहले, हमारी शरीर से औदारिक शरीर में मिक्स है ना और ये निकल रहा है, तो जो निकलने के पहले वाली अवस्था होती है उसे कहते हैं आहारक मिश्र का योग। तो ये छह शरीर यानी ऐसे मिक्स, तीन शरीर हो गए और तीन उसके मिक्सचर हो गए, तो छह और एक कारमांड का योग। कारमांड का योग विग्रह गति में होता है, जब शरीर एक गति से मर जाते हैं, हम जीव मर जाता है, फिर दूसरी गति में जीव नहीं मरता है, आत्मा उसकी रहती है लेकिन शरीर उसका पर्याय नाश हो जाती है। तो जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो कारमांड का योग उसके साथ में जाता है, उस समय हलन चलन होता है कि एक दो तीन समय में वो दूसरी जगह जाके अपना जन्म ले लेता है, तो उसे कहते हैं कारमांड का योग। तो ये सात कारमांड का योग है। अब हो गए टोटल योग के कितने भेद हो गए, 15। कौन से, चार मनोयोग, चार वचन योग और सात काय योग। आप लोग अपनी पेंसिल कॉपी भी लेके बैठा करो तो आप लोग लिख भी लिया करो, जैसे मीना गांधी जी देखो लिखते रहती हैं पूरा, उनको पूरा इंटरेस्ट रहता है। वेरी नाइस, आप लिखते रहते हो, अच्छा लगता है सब चीजें आप पूरा, इन्हें क्या होता है कि ये हमेशा के लिए फिर याद हो जाता है। वंस यू राइट इन योर कॉपी ना, तो आपके पास दिमाग में आप कभी भी उसको पलट के पढ़ सकते हो, देख सकते हो। सुनी हुई चीज हम भूल जाते हैं क्योंकि हम उसका रिविजन नहीं कर पाते, और एक बार आप लिख लोगे तो फिर उसका आप रिविजन कर पाते हो, तो आप कभी भी उसको देख के पढ़ सकते हो। तो ये हो गए योग के 15 भेद, चार मन योग, चार वचन योग, सात काय योग, ठीक है। अब उसके बाद में योग गुण, मतलब स्वभाव पर्याय और विकारी पर्याय। हमने कल भी मैंने आपको बताया था कि स्वभाव किसे कहते हैं, जैसे सिद्ध भगवान का जो सिद्धत्व पना होता है 14वें गुणस्थान में, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता, कोई कर्म नहीं रहते वहां पे, तो निष्कंप अवस्था होती है, वहां कोई योग नहीं होता है। अयोग केवली जिसे कहते हैं, अयोग केवली के बाद सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है 14वें गुणस्थान, और सिद्धों का जो होता है उसे कहते हैं स्वभाव पर्याय, वो है योग गुण उनका स्वभाव पर्याय वाला, सिद्धों और 14वें गुणस्थान में। और विकारी पर्याय जो पहले से लेके 13वें गुणस्थान तक के, जहां तक कर्मों का खेल चलते रहता है, एक गुणस्थान पहले मिथ्या, आपको लोगों को गुणस्थान के बारे में बताया था मैंने सारा का सारा, है ना। पहले गुणस्थान मिथ्यात् का होता है, दूसरा सात साधन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत विरत, अप्रमत विरत, सातवा आठवा अपूर्करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, सब गुण शांत मोह, क्षीण मोह, है ना, फिर अयोग केवली और सहयोग केवली। तो ये जो गुणस्थान है, तो 1 से 13 तक के जो गुणस्थान है उसमें विकारी पर्याय होती है, क्योंकि इसमें कारमांड वर्गणाएं आके हमारे अंदर चिपकते रहती है। 13वें गुणस्थान भी इसलिए लिया है कि केवल चार अघातिया घातिया कर्मों को नाश होता है, और चार अघातिया कर्म वहां पे रह जाते हैं, इसलिए 13वें गुणस्थान तक के विकारी भाव लिए, विकारी पर्याय लिया हुआ है उसमें। और जो सिद्ध स्वरूपी है जिसमें कोई योग नहीं होता, अयोग केवली, वहां पे यहाँ 13वें गुणस्थान में योग होता है, सहयोग केवली कहते हैं ना आप, उसका गुणस्थान का नाम ही है 13वें गुणस्थान का, सहयोग केवली, मतलब योग वहां तक के होता है, 13वें गुणस्थान तक का योग होता है, इसलिए उसे सहयोग केवली कहते हैं। और 14वें गुणस्थान में अयोग केवली, नाम ही उसका अयोग है, तो उसमें कोई योग नहीं होता है, इसलिए वो स्वभाव पर्याय है, अयोग केवली है। आगे बढ़ू, दूसरा सूत्र, स आश्रव, स आश्रव, यही आश्रव है, वही आश्रव है, क्या आश्रव है, तो काय वांग मन कर्म योगः। तो काय से, वचन से और मन से जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसमें जो योग होता है, योग का परिस्पंदन होता है, इसे ही आश्रव कहते हैं, इसे ही आश्रव कहते हैं। तो आश्रव का स्वरूप क्या है, उपादान शक्ति किसकी है, उपादान मीन्स कौन कर्मों को बुलाता है, कौन बुलाता है कर्मों को, भाव योग, हम भाव से करते हैं ना, भाव से, अगर हम भाव नहीं करेंगे तो कर्म आएंगे ही नहीं, राग द्वेष रूपी हम भाव करते हैं, इसलिए द्रव्य कर्म आते हैं, इसलिए ज्ञान वर्ण आदि कर्म को हम बुलाते हैं। और निमित्त क्या है, मन वचन काय की चेष्टा, मन वचन काय से हम निमित्त क्रिएट करते हैं ताकि कर्म हमारे अंदर आके चिप
प्रत्यय। और फल क्या होता है? द्रव्याश्रय कर्मों का आना। जो हम भाव करते हैं वैसे कर्म आके हमारी आत्मा में दूध पानी की तरह एकमेक हो जाते हैं। अथवा कारण यानी निमित्त, निमित्त क्या है? द्रव्य योग। और कार्य क्या है? कर्मों का आना। जैसे नाव में जल आने का छिद्र है, अगर नाव है और उसमें कोई गड्ढा है, कोई छेद है, तो उसमें जल आता रहेगा, पानी आता रहेगा। तो ये कर्मों का आना है, ये कार्य होगा कर्मों का आना, जल का आना। और निमित्त क्या है? उस बोट के अंदर, नाव के अंदर छेद होना। अगर छेद नहीं होगा तो जल में पानी आएगा ही नहीं, नाव के अंदर भरेगा ही नहीं पानी। तो बस यही हमारे अंदर भी काफी सारे छेद हैं। हम छेद क्या है? मन वचन काय की चंचलता से हम कर्मों को अपने अंदर बुलाते हैं। हमारे लिए कर्मों के आने का द्वार क्या है? मन वचन काय की चंचलता। हम अगर मन वचन काय की चंचलता नहीं रखेंगे तो कर्म नहीं आएंगे। भगवान वही करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं और अपने ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, तो उनकी मन वचन काय की चंचलता रुक जाती है और कर्मों का नाश हो जाता। हम लोग 24 घंटे कर्म को अपने बुलाते रहते हैं, इसीलिए कर्म हमारे इसमें आते रहते हैं। अब तीसरे नंबर का सूत्र देखें, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, अर्थात शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय है। अगर हम शुभ क्रिया करते हैं, आश्रय तो दोनों में होगी। शुभ क्रिया करेंगे तो शुभ आश्रय होगा, अशुभ क्रिया करेंगे तो अशुभ आश्रय होगा, है ना। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यूपी 5 पाप हम करेंगे तो उससे पाप आश्रय होगा, है ना। जैसे पाप आश्रय होगा पाप क्रिया करने से, और पुण्य की क्रिया करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा? शुभ क्रिया करेंगे तो शुभ आश्रय होगा। आश्रय दोनों में होना है, कर्मों का आना दोनों में है, शुभ में भी और अशुभ में भी। वो कहते हैं ना, एक है सोने की बेड़ी, एक है लोहे की बेड़ी। सोने की बेड़ी दोनों है, बेड़ी मतलब जो आप बोलते हैं ना, बेड़ी डाल देते हैं उसको, चेन, और उससे फंस तो दोनों जाते हैं, लेकिन वो क्या है, सोने की बेड़ी जो है वो हमें ऊपर ले जाती है, ऊर्ध्वगमन। आपने 16 स्वर्गों के बारे में पढ़ा है ना, तो जो सोने की बेड़ी है वो हमको ऊपर ले जाती है, और जो लोहे की बेड़ी है वो हमको कहाँ ले जाती है? नरकों में ले जाती है। तो ये डिफरेंस है, बेड़ी दोनों है, लेकिन फर्क इतना है कि पुण्याश्रय से आप स्वर्गों के सुख को भोगते हो और पाप आश्रय से आप नरकों के दुखों को भोगना पड़ता है, फर्क इतना है दोनों में, ठीक है। तो पुण्याश्रय शुभ योग और पापाश्रय अशुभ योग। शुभ परिणामों के निमित्त से पुण्याश्रय होता है और अशुभ परिणामों के निमित्त से अशुभ आश्रय होता है। काय वचन मन, इन मन वचन काय की क्रिया, हम पुण्याश्रय में कौन सी क्रिया करना पड़ेगा? प्राणी की रक्षा, देखभाल कर चलो, हम आप जो भी काम करते हैं, आरंभ सारंभ खाना बना रहे हैं, चल रहे, हिल रहे, फिर रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, जाग रहे, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना चाहिए हमने कि हमारे द्वारा जीवों की हिंसा ना हो। अगर हमारे द्वारा जीवों की बचाव हो रहा है, जीवों के प्राण रक्षा हो रही है, तो वो हमारा शुभ कार्य, काम तो करना ही है। बिना काम के तो हम रहेंगे नहीं, बिना हम खाना बनाए नहीं रहेंगे, झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, बर्तन करें, सारे काम हमारे निमित्त से होंगे, या हम करेंगे या हमारी बाई करेगी, करना तो होना है। बाई भी करेगी तो पाप हमको लगेगा, क्योंकि वो हमारे निमित्त से वो काम कर रही है, हमारे घर में आके कर रही है, तो पाप तो उससे नहीं लगेगा, पाप हमको लगेगा क्योंकि वो हमारे घर में हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है। हाँ, तो शुभ योग, तो शुभ योग है जो हम मंदिर जाएंगे, प्राणी रक्षा करेंगे और पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, जाप देंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये हो गए शुभ योग, काय की क्रिया जिससे हम शरीर से काम करते हैं। और वचन, हम शुभ वचन बोलेंगे, मतलब सत्य वचन कहेंगे, हितमित प्रिय वचन कहेंगे, उपदेश करेंगे, गुरु की वाणी सुनाएंगे, आगम की वाणी सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, तो वो वचन, स्तुति करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे अपने मुखारविंद से, तो ये हो गई शुभ क्रिया वचन के द्वारा। और मन के द्वारा शुभ क्रिया होगी दूसरे का भला सोचना, पंच परमेश्वर का चिंतन करना, 12 भावनाओं का चिंतन करना, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना, ये मन के द्वारा अच्छी क्रियाएं हो गई। तो शुभ मन वचन काय से अच्छी क्रियाओं का करना शुभ योग है। और पाप क्रिया कौन सी है? पांचों पापों में लीन रहना, काय से प्राणी हिंसा करना, चोरी करना, मैथुन सेवा, कुशील, परिग्रह, ये सारी चीजों का घटक काय, काय से हम जो भी काम करते हैं जिसमें बुरे काम होते हैं उसे प्राणी हिंसा वगैरह, ये सारे काम काय से करते हैं। और वचन से असत्य बोलना, कटु वचन बोलना, असभ्य वचन बोलना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले वचन बोलना,
है ना, और मन से मारने का विचार करना, ईर्ष्या करना, ये सारे काम जो हम गलत काम करते हैं मन से, उसे कहते हैं अशुभ योग। तो पाप आश्रय होता है पाप अशुभ योग से, और पुण्य आश्रय होता है शुभ योग से। अगर आप शुभ काम करेंगे तो शुभ आश्रय होगा, और अशुभ काम करेंगे तो अशुभ आश्रय होगा। पुण्याश्रव एवं पापाश्रव भेद के अघातिया कर्मों की अपेक्षा है, घातिया कर्म तो पाप रूप ही है। ठीक है, अब ये बताया उन्होंने, स कषाया कषायो संप्राय केर्यापथ्यो, स कषाया कषायो संप्राय केर्यापथ्यो, अर्थात कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से संप्रायिक और इर्यापथ कर्म के आश्रय रूप है। क्या बताया आचार्य ने, क्या कहा है कि कषाय के सहित आश्रय होता है और कषाय से रहित भी आश्रय होता है। तो कषाय से सहित का किसका आश्रय होता है, हम सब संसारी जीवों का, क्योंकि हमारे पास कषाय है। और कषाय से रहित किसका आश्रय होगा, 13वें गुणस्थान वाले भगवान जो है ना, अयोग केवली है, जिनके पास कोई कषाय नहीं है। 10वें गुणस्थान के बाद ही उनके कषाय शांत हो जाती है, शांत वो क्षीण मोह जिसे कहते हैं ना, 12वां गुणस्थान हो गया क्षीण मोह उपशांत, क्षीण मोह हो गया, हाँ क्षीण मोह सूक्ष्म संप्राय 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान क्षीण मोह, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां गुणस्थान संयोग केवली। तो ये आपको आ जाएंगे पूरे। तो कषाय सहित देखिए इसमें चार्ट दिया हुआ है, कषाय सहित वाले में एक मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय के साथ जो योग होता है उसे कषाय वाला कहते हैं। और मिथ्यात क्या है, कुदेव कुशाश गुरु आदि को पूजना। अविरति क्या है, 12 प्रकार की अविरति होती है, षटकायिक जीवों की हिंसा करना और 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल में नहीं करना, इसे कहते हैं 12 अविरति। षटकाय के जीव कौन से, 5 स्थावर और 1 त्रस, तो ये षटकाय के जीव हैं। इन जीवों की हमने अविरति कर दी, अविरति मतलब उनकी रक्षा नहीं करना, उनके भाव रक्षा के नहीं होना, पानी छान बहा रहे तो बहा रहे, अनछना पानी यूज कर रहे हैं, वो सब हम अविरति में आ जाएगा पूरा, है ना। जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक वनस्पतिकायिक और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा करना, ये सब अविरति में आ जाएगा। और 5 इंद्रियों और मन की लंपटता, मतलब इंद्रियों के विशेष में अपने आप को अति प्रमत्त अति 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 उसमें लंपटता रहना, इंद्रियों के विषय में हम हमेशा लगे रहना। और प्रमाद, प्रमाद के भी 15 भेद हैं। 15 भेद कौन से प्रमाद के, इसमें भी आती है 4 कषाय आती है, 5 इंद्रिय विषय आ जाते हैं इसमें भी, 5 इंद्रिय विजय और 4 वी कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, ये कथा आ जाती, कथा मतलब इनका चर्चा करते रहना। और स्नेह और निद्रा, ये हो जाते 15 प्रमाद। और कषाय के साथ योग होता है, इसे कहते हैं सकषाय, कषाय सहित जो है ये सांप्रायिक आश्रम में आता है। और अकषाय में केवल योग होता है 13वें गुणस्थान में, 11, 12, 13वें गुणस्थान। इसका कारण क्या है सांप्रायिक आश्रम का, संसार का कारण है। क्या है ये, संसार का कारण। और स्थिति रहित आश्रम का कारण है इर्यापत आश्रम। कितने प्रकार का बंद होता है इसमें, प्रदेश बंद होता, प्रकृति बंद होता, स्थिति बंद होता, अनुभाग बंद होता, ये 4 प्रकार के बंद हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना 8वें वाले चैप्टर में अध्याय में, आपको बंद के बारे में चर्चा होगी, आश्रय के बाद में बंद की चर्चा होगी। इसके बाद तो आपको ये आ जाएगा, प्रकृति बंद किसे कहते हैं, प्रदेश बंद किसे कहते हैं, स्थिति किसे कहते हैं, अनुभाग, और ये 4 प्रकार के बंद होते हैं। प्रकृति मतलब ज्ञान वर्ण आदि जो नेचर होता है जिसका, वो कर्म को बंद करना, वो प्रकृति बंद है। प्रदेश बंद मतलब आत्म प्रदेशों में पूरे मिल जाना, उसे आत्म प्रदेश में एक साथ हो जाना, उसे प्रदेश बंद कहते हैं। स्थिति मतलब कितने समय के लिए वो कर्म बंद रहे हमारी आत्मा के साथ में, जैसे मोहिनी कर्म की 70 है, 70 कोड़ा कोड़ी के लिए बनते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर इतने समय की आयु है, सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म की 70 है बनती है स्थिति। और अनुभाग यानी उन कर्म जो बन गए, अब वो फल कब देंगे, कैसे देंगे, किस रूप में देंगे, कब उदय में आएंगे, वो होगा अनुभाग बंद। तो ये कितने प्रकार का कषाय से, हम जितने तीव्रता से कषाय को बांधेंगे ना, उतने तीव्रता से वो बांधेंगे और उतने लंबे तक के वो उसका फल देने के लिए हमारे पास रहेंगे। और अकषाय में प्रकृति और प्रदेश बंद ही होता है, स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर वाले गुणस्थान में होता है, केवल ध्यान के गुणस्थान में, वहां कोई क्रिया नहीं होती उनकी। और गुणस्थान पहले से 10वें गुणस्थान तक के सूक्ष्म सांप्राय रहता है ना, 10वें गुणस्थान का नाम ही है सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म मतलब किंचित और सांप्राय यानी कषाय, तो 10वां गुणस्थान है। और उसके बाद इनका जो होता है इर्यापत आश्रय वाला 11वां गुणस्थान है, 11वां 12वां 13वां। 11वां गुणस्थान है उपशांत मोह, 12वां है क्षीण मोह और 13वां गुणस्थान है सहयोग केवली,
और चौदवा है अयोग के लिए। तो ये ग्यारहवा बारहवा और तेरहवा में योग है, क्योंकि चौदवे में तो योग नहीं है, हमने पहले ही पढ़ लिया, इसके पहले अयोग के लिए चौदवा गुणस्थान, ठीक है। और जैसे कषाय रूपी तेल युक्त दीवार पर, मैंने आपको बताया ना तेल का जैसे कागज होता है उसके ऊपर तेल लगा दो तो बहुत सारे धूल के कण आके उसके ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा में जो हम कषाय करते हैं तो सारे आत्मा में, आत्मा प्रदेश में कषाय के जो ज्ञानवर्ण आदि कर्म वर्गण है वो हमारी आत्मा में आकर चिपक जाते हैं। और जो तेरहवें गुणस्थान के ग्यारहवें बारहवें तेरहवें गुणस्थान में, उसमें कोरी दीवार होती है, केवल धूल मट्टी आकर निकल के खिल जाती, चिपकती नहीं है क्योंकि उधर पे कषाय नहीं है। हाँ समझ में आ गया आपको, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जिनवाणी स्तुति आ रही है, फिर हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है। Anybody is having any question? अर्चना जी, हाँ जी बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कषाय है वो स्निग्ध है और हाँ, वो जो कर्मन वर्गण आती है वो रुक्ष है। हाँ बराबर, हाँ हाँ बराबर, बिल्कुल बराबर, वेरी राइट। क्योंकि कषाय गीला है जो खींचता है, कर्म वर्गणाओं को खींचने वाली कषाय है, और कर्मन वर्गणा जो वृक्ष है जो आके जिसके कारण बंद होता है, दूध और पानी के समय आत्मा में मिल जाते हैं, वेरी ट्रू। और किसी को कोई क्वेश्चन, समझ में आ गया आज तो, किसी को तकलीफ नहीं हुई आवाज की? तो बहुत ही अच्छा रहा, चलो वेरी गुड। सांप्रदायिक का मतलब होता है कषाय, हाँ सांप्रदायिक का अर्थ होता है कषाय, हाँ सांप्रदायिक का अर्थ होता है कषाय, एक डेढ़ मिनट बचा है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं हम लोग, हाथ जोड़ लीजिए। वाणी के ज्ञान से सूझे लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक, ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो संत को गुरु से होने, धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, जिनवाणी माता की जय। जय पढ़ लीजिए। जिनवाणी माता की जय। लास्ट वन मिनट इज लेफ्ट, अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। मोहनी कर्म में 76,000 साल यानी अपन मोह कर्म बांधने के 76,000 साल तो यही हो गए। 76,000 साल नहीं वर्षा, 70 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी करोड़ नहीं, लेकिन 84 लाख योनी में तो फिर करोड़ तो मोहनी सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा 70 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर तक के बनता है, ये सत्ता में रहता है। आप रे मेरे को तो इतने विचार आ रहे हैं कि ये काम ऐसे काम मत करना ही नहीं कभी। वही तो 70 कोड़ा कोड़ी आप रे 84 लाख से ज्यादा भरा रखते रहो जिंदगी में। वही तो हम बाप रे बहुत